मैंने तो खैर दोनों की रियाज नहीं की, ना हजरत इमरोटी की ना हजरत दीनपुरी की। ये बड़े लोग थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, हम खुद अंदाजा लगा लेंगे हजरत इमरोटी कितना बड़ा आदमी होगा जिनका खलीफा हजरत लाहौरी हो। उनका एक खातिम था, उसने एक हिंदू को मारा था पंडित को। बहरहाल वो आखिरी पेशी आ गई, उसकी माँ थी और माँ का एक ही बेटा था। वो रोती पीटती भी, हजरत आज आखिरी फैसले की पेशी है, मेरा बेटा फांसी चढ़ जाएगा, कुछ तो करें। फरमाते अच्छा अम्मा सबर कर सबर कर। पेशी वाले दिन हजरत तशरीफ ले आए और हाई कोर्ट के इहाते में बैठ गए। अब अंग्रेजों का जमाना था और हिंदू पंडित मारा गया था, चोटी के वो कला उनके थे और गरीब मुसलमान का तो कोई वकील ही नहीं था, सरकारी बस जो वकील होते हैं वो था। हजरत ने यूं कपड़ा लपेटा होता था, यूं बैठते थे तो तस्बीह पढ़ रहे होते थे, जो कहते हैं मैंने तो नहीं देखा। तो अंदर से जब जज ने कहा कि भाई दो घंटे के बाद फैसला सुनाया जाएगा, अब वो कला भी रेस्ट कर ले, मैं भी चैम्बर में जा रहा हूँ रेस्ट करूंगा, दो घंटे के बाद फैसला सुनाऊंगा। तो वो अंदर से वकील भी निकले, अटॉर्नी जनरल भी निकला, वो सारे हिंदू थे। वो देखा ना टोपी वाले हजरत बैठे हैं, उनको भी पता था ना कि इमरोटी है, और उनके साथ खलीफे भी हैं, मरीद भी हैं और हजरत तस्बीह पढ़ रहे हैं। तो वो वहां से गुजरे और बतौर तंज कहा कि पीर साहब तस्बीह और जोर जोर से पढ़ो, अभी आपके मरीद को सजाए मौत होगी। हजरत ने ऐसे देखा, फरमाया कुत्तो मां जो तस्बीह अर्श से पुजी था, मेरी फरियाद अर्श पे पहुंच गई है, जाओ भाग जाओ, कोई मेरे मरीज को सलाह नहीं दे सकता। दो मिनट के बाद जज ने बुलाया, उसने कहा भाई इज्जत भरी। वो वकील अटॉर्नी जनरल ने कहा क्या होने का, ये फैसला पढ़ लो, मैं सजाए मौत लिख के आया था, ये तकदीर है जैसे मुझसे आजादी का नारा लगवाया है, और अपील से अपील न करना कुछ भी नहीं होगा। मालूम होता है फकीर की तस्बीह लग गई। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था, अल्लाह वालों की बातें है ना छिड़ जाए पर दिल तो नहीं भरता। तो हजरत ने फरमाया कि खैर मोहम्मद, अभी हजरत भरे हुए नहीं थे, खाली थे, मुझे अल्लाह ने 6 महीने जेल में रखा, सैकड़ों बंदों ने गुनाहों से तौबा की, सैकड़ों बंदों की इस्लाह हुई, सैकड़ों बंदों ने अकीदा सीखा, सैकड़ों बंदों ने अल्लाह का जिक्र सीखा और मकाम विलायत पे पहुंच गए। अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था, मैं अबुजरिया दिखाता था, इसलिए फकीर अल्लाह की रजा पे रहा था। अल इस्तकामत फौकल था, इस्तकामत होनी चाहिए, करामत दिखाना, शोभदत्त कोई जादूगर भी दिखा देते हैं, नजूमी भी दिखा देते हैं,